नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे हम आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना बुकरम का गला बनाना बताऊंगी। इस गले की सर्दियों में बहुत डिमांड रहती है, वैसे भी क्योंकि बुकरम वाला गला, बुकरम अंदर श्रिंक हो जाती है तो फिनिशिंग नहीं रहती। आइए आज मैं आपको बिना बुकरम का गला बताती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे मैं डेमो के लिए मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है, जैसे आपकी शर्ट है, शर्ट को हम जैसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड कर लिया बीच में ऐसे, और गले की जितना हमने 2.5 इंच पे गले की 2.5 इंच गला ऐसे चौड़ाई में लेना है, 2.5, 3, 3.5 जितना भी आप अपने लेते होंगे ऐसे हम गले की लंबाई नापते हैं। अगर हमारा गला 7 इंच है तो हम यहाँ लेंगे 7.5, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर कंधे में दब जाता है। ऐसे ये निशान हमने यहाँ लगा लिया। पेन मैं इसलिए ले रही हूँ, ये कोई शर्ट नहीं है, ये कपड़ा मैं ऐसे गला समझाने के लिए लिया हुआ है, यहाँ भी हम कि आपको समझ में आ जाए, ऐसे स्पष्ट दिख रहा होगा। ये हमने 2.5 इंच पे बना रहे हैं हम। ठीक है, इस गले में 2-3 शेप ही बनती है, गोल, स्वीट हार्ट, थोड़ा सा पान में बना लिया गोल, और ये चौरस, 3-4 शेप ही बनती है इसमें, ज़्यादा नहीं बना सकते हम। ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा ये वाला बना देती हूँ ऐसे, जैसे हम बुकर पे ड्रॉ करते हैं ऐसे ही हमने ये कपड़े पे कर लिया है। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, अब इसको गोलाई में भी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर चौरस बनाना है तो यहाँ से चौरस भी बना सकते हो। इसमें 2-3 शेप ही बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी। अब हम इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिर कटिंग करना है, लाइन से एक पैर इधर सिलाई के लिए, जो हमारा सिलाई में आएगा। ये देखिए, ये हमने ये जैसे हमारी ये शर्ट है, कमीज है, उससे ऐसे हमने इसको, ये देखिए ये गला कट गया हमारा, ये है हमारा पैटर्न। अब इसको हम इस पे रखेंगे, दूसरे कपड़े पे, एक्स्ट्रा कपड़ा आप ले लीजिए। अब उसके ऊपर हम इसको रखेंगे जो हमने कटिंग किया है, ऐसे ही इसको यहाँ रखेंगे। ऐसे हम फिर चौक की सहायता से इसे निशान लगा लेंगे, छोटा बड़ा ना हो, पास से थोड़ा, ये रेशमी कपड़ा है। फिर हम कैंची के साथ कटिंग करेंगे।
ऐसे। ऐसे हम इसको लेको ऐसे हमने निकाल लिया, ये देखिए। अब हम शर्ट की सीधी साइड इसको रखेंगे ऐसे। आप पहले रखकर देख लीजिए कि ये सही है कि छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, तो दोबारा कटिंग कर सकते हो आप। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही आया है, ये देखिए। अब इसको हल्के हाथों से हम सिलाई करेंगे, कैसे लगाना है। इसको किसी भी तरफ से हमने खींचना नहीं है, ऐसे रखिए। हमने इसको खींचना नहीं, बिल्कुल ढीले हाथों से, हल्की हल्के हल्के हाथों से ही, नहीं तो आपके इसमें झोल आ जाएंगे। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे बूट को उठाते हुए ऐसे घुमाएंगे, ये मैंने ब्लैक धागा मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको दिख सके, नज़र आ सके, क्योंकि लाइट कपड़ा है तो दिखाई भी नहीं देता कई बार। अगर आप खींचेंगे तो ये ठीक नहीं बनेगा, खींचना नहीं है बिल्कुल, बस सिंपल ऐसे ही रख के हाथ से ऐसे सिलाई। ये हमारी देखिए सिलाई लग गई है। ऐसे अब फिर हम इसको पूरे इसको ऐसे पलटेंगे और इस पूरा इधर करते हुए मार्जिन, ये वाली, ये भी, ये सिलाई और इसको पट्टी को ऐसे पलटेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे। इससे हमें गला पलटने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हम कट दे देंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे, उसमें मेरे आदि नहीं रहा कटता कर देना। ऐसे पूरा इस तरफ करते हुए ये सीधी साइड लगानी है सिलाई हमने, ये ऐसे हाथ से ऐसे खोलते हुए ऐसे आराम, बड़े आराम से। ऐसे इसमें बुकरम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मोटे सूटों में ज़्यादातर इसकी बहुत डिमांड आती है ये गला बनाने की। देखिए मैंने इस साइड कट नहीं दिया, सो मैं भी दे देती हूँ। अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अंदर की तरफ तरपाई कर लेना और ऐसे। ऐसे अब इसको हम ऐसे कच्चा भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर बाद में सिलाई कर लेना, वो कर लेना तरपाई और ये
ठीक है। ये देखिए हमारा गला बनकर तैयार है। ये ब्लैक सिलाई, ये रफ है, इसको बाद में आप उधेड़ सकते हो, पहले आप तुरपाई कर लेना। ये पीछे ऐसे ये मैंने फोल्ड करके तुरपाई कर दी है। ये है बिना बुकरम का गला। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।